हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है सीने रेडियोग्राफी फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सीने रेडियोग्राफी का इंट्रोडक्शन इक्विपमेंट और सीने रेडियोग्राफी के प्रोसीजर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आइए जानते हैं सीने रेडियोग्राफी के बारे में रेडियोग्राफी फ्रेंड्स सबसे पहले अपन इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं सीने दैट मीन सिनेमा टू यूज मूवी कैमरा फ्रेंड्स यहां पर सीने का मतलब होता है सिनेमा जिस प्रकार सिनेमा में एक मूवी के लिए एक कैमरा यूज किया जाता है उसी प्रकार सीने रेडियोग्राफी में भी एक कैमरे का यूज किया जाता है रेडियोग्राफी मीन्स टू टेक रेडियोग्राफिक इमेजेस मतलब रेडियोग्राफी मतलब रेडियोग्राफिक इमेजेस लेना मतलब कैमरे का यूज करके रेडियोग्राफ करना ही सीने रेडियोग्राफी होता है फ्रेंड्स आपने सिनेमा में मूवी तो जरूर देखी होगी जिस प्रकार सिनेमा में एक कैमरे की, की हेल्प से एक प्रोजेक्ट की हेल्प से एक पर्दे पर फिल्म दिखाई जाती है उसी प्रकार सीने रेडियोग्राफी में भी एक फिल्म या इमेजेस दिखाई जाती है फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह है सीने रेडियोग्राफी की मशीन होती है द इमेजेस इज प्रोड्यूस थ्रू फ्लोरोस्कोपी शो दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीने फ्लोरोस्कोपी मतलब सीने रेडियोग्राफी में इमेजेस को फ्लोरोस्कोप के माध्यम से तैयार की जाती है इसलिए इसे सीने फ्लोरोस्कोपी भी कहा जाता है फ्रेंड्स सीने रेडियोग्राफी वाला टॉपिक डीआरटी और बीआरटी दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार इसे एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा भी गया है इन विच ए कैमरा इज यूज टू रिकॉर्ड इमेजेस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी मतलब सीने रेडियोग्राफी में बॉडी के ऑर्गन की इंटरनल स्ट्रक्चर की इमेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरे का यूज किया जाता है जिसे अपन सीने कैमरा भी कह सकते हैं द इमेजेस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर आर रिकॉर्डेड थ्रू द रेडियोग्राफी और द फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर मतलब सीने रेडियोग्राफी में रेडियोग्राफी या फ्लोरोस्कोपी का यूज करके बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर्स की इमेजेस को रिकॉर्ड किया जाता है मतलब सीने रेडियोग्राफी के साथ में नॉर्मल रेडियोग्राफी और फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर का भी यूज किया जाता है द इमेजेस आर रिकॉर्डेड ऑन टैप एंड कैन बी रिप्लाइड इन ए रियल टाइम स्लो मोशन और इन ए फ्रिज फ्रेम मतलब प्राप्त होने वाली इमेजेस को फिल्म रोल या टेप पर रिकॉर्ड की जाती है और इन्हें रियल टाइम स्लो मोशन और फ्रिज फ्रेम में रिप्ले करके दोबारा चलाया जा सकता है और इन्हें प्रोजेक्टर पर या टीवी में देखा जा सकता है फ्रेंड्स अगर आपने कभी पुरानी डीवीडी की कैसेट देखी है तो उसमें देखा होगा कि आपने एक रील होती है उसी प्रकार सीने रेडियोग्राफी में भी एक फिल्म का रोल होता है उस पर फिल्म रिकॉर्ड की जाती है और उस कैसेट को चला के अपन टीवी पर या मॉनिटर पर फिल्म को देख सकते हैं सीने रेडियोग्राफी इज यूज टू व्यू स्पाइनल स्ट्रक्चर्स मस्कुलो स्केलेटल मूवमेंट एंड गेस्ट्रो इंटेस्टनल स्ट्रक्चर्स मतलब सीने रेडियोग्राफी का यूज स्पाइनल स्ट्रक्चर्स मतलब रीढ़ की हड्डी को देखने के लिए मस्कुलोलेटरल मूवमेंट को देखने के लिए और गेस्ट्रो इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए किया जाता है इट इज यूज इन इंटरवेशनल लाइक कार्डियोलॉजी एंड न्यूरो रेडियोलॉजी मतलब सीने रेडियोग्राफी का यूज कार्डियोलॉजी और न्यूरो रेडियोलॉजी जैसे इंटरवेशनल प्रोसीजर्स में भी किया जाता है फ्रेंड्स अब हम सीने रेडियोग्राफी के इक्विपमेंट के बारे में जानते हैं और इन इक्विपमेंट का क्या काम होता है फर्स्ट नंबर है एक्सरे मशीन विथ इमेज इंटेंसिफायर। इस डायग्राम में आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर इमेज इंटेंसिफायर होता है द एक्सरे मशीन विथ इमेज इंटेंसिफायर इज यूज फॉर द इमेज एक्सेशन मतलब इमेज इंटेंसिफायर के साथ एक्सरे मशीन का यूज इमेज एक्यूसेशन के लिए किया जाता है फ्रेंड्स यहां पर जो इमेज इंटेंसिफायर होता है वह है एक फ्लोरोस्कोपी ट्यूब होती है सेकेंड नंबर है टीवी कैमरा एंड टीवी मॉनिटर फॉर रियल टाइम इमेजिंग इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर टीवी कैमरा होता है और यह टीवी मॉनिटर होता है जिस पर अपन रियल टाइम इमेज देखते हैं थर्ड नंबर है मूवी कैमरा या सिने कैमरा इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सिने कैमरा लगा होता है ए मूवी कैमरा इज यूज टू रिकॉर्ड द इमेज फ्रॉम द इमेज इंटेंसीफायर मतलब इमेज इंटेंसिफायर से इमेज रिकॉर्ड करने के लिए मूवी कैमरा या सीने कैमरा का यूज किया जाता है और फ्रेंड्स इस कैमरा में ही फिल्म का रोल या फिल्म टैप लगी होती है टैप एंड रोल ऑफ फिल्म विच 16 और 35 फाइव एम वाइड एंड 120 मीटर लॉन्ग मतलब सीने कैमरा या मूवी कैमरा में एक फिल्म का रोल होता है जो 120 मीटर लॉन्ग मतलब 120 मीटर लंबा होता है और 16 और 35 एम वाइड मतलब 16 और 35 एम mm चौड़ा रोल होता है इस इमेज में आप यहां पर देख सकते हैं कि यह सोलह एम mm फिल्म होती है और यह है 35 एम mm फिल्म होती है द कैमरा प्रोवाइड्स ए सीरीज ऑफ हाई रिजोल्यूशन इमेजेस बट आल्सो इंक्रीज द पेशेंट्स रेडिएशन डॉज मतलब मूवी या साइन कैमरा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस की या हाई क्वालिटी इमेजेस की एक सीरीज मतलब एक श्रृंखला प्रोवाइड करता है लेकिन पेशेंट की रेडिएशन डोज को भी बढ़ाता है फ्रेंड्स सीने रेडियोग्राफी में रेडिएशन डोज इमेज एक्विशेसन के नंबर्स और लेंथ पर डिपेंड करती है इसलिए पेशेंट को कम से कम लेवल पर एक्सपोज किया जाना चाहिए जनरली द मूवी कैमरा इज कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग फिफ्टीन थर्टी सिक्सटी एंड नाइन्टी फ्रेम पर सेकेंड मतलब जनरली मूवी कैमरा फिफ्टीन थर्टी सिक्सटी और नाइन्टी फ्रेम पर सेकेंड कैप्चर करने में कैपेबल होता है मतलब यह कैमरा बहुत जल्दी जल्दी इमेज को कैप्चर करने में कैपेबल होता है द हाई फ्रेम पर सेकेंड नाइन्टी सेकेंड इज जनरली यूज इन कार्डियक इमेजिंग मतलब हाई फ्रेम पर सेकेंड मतलब 90 फ्रेम पर सेकेंड का यूज जनरली कार्डियक इमेजिंग में किया जाता है क्योंकि हमारा हार्ट बहुत तेजी से गति या मोशन करता है इसलिए मोशन के कारण फिल्म पर होने वाली ब्लरिंग से बचने के लिए इमेज 90 फ्रेम पर सेकेंड ली जाती है सीने फ्लोरोग्राफी इज यूज फॉर इमेजिंग द मोमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रास्ट एजेंट थ्रू द वेसल्स मतलब सीने फ्लोरोग्राफी का यूज ब्लड वेसल्स के माध्यम से कॉन्ट्रास्ट एजेंट के मूवमेंट की इमेजेस के लिए किया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर आप सीने फ्लोरोस्कोपी का एक डायग्राम देख सकते हैं इसमें यहाँ पर यह इमेज इंटेंसिफायर होता है यहाँ पर सीने कैमरा होता है यहाँ पर टीवी कैमरा होता है और यहाँ पर टीवी मॉनिटर होता है और यहाँ पर यह स्पॉट फिल्म कैमरा भी होता है फ्रेंड्स यहाँ पर टीवी कैमरा स्पॉट फिल्म कैमरा और सिने कैमरा को एक साथ जोड़ा गया है फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरे ट्यूब होती है इस एक्सरे ट्यूब से रेडिएशन निकल के इमेज इंटेंसिफायर के पास जाती है इमेज इंटेंसिफायर इन इलेक्ट्रॉन्स को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करता है इन लाइट फोटोन्स को सिने कैमरा के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है और सिने कैमरा फिल्म पर इमेजेज को रिकॉर्ड करके टीवी पर शो करता है तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें